अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है मैट्रिक का चैप्टर नंबर 1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। और हमने डिस्कस करना है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हमने सॉल्व करना है स्क्वायर, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, आपने उसको सॉल्व करना है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मैथड से, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 में 3x² + 7x = 0, आपने इसको क्या करना है भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के मैंने पहले लेक्चर नंबर 2 में उसके 6 स्टेप बताए थे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू अगर हमने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना है तो उसकी ये 6 स्टेप हैं, ठीक है। पहले आपने क्या करना था, पहले आपने जो आपके पास टर्म्स होती थी एक्स और वाई वाली, उनको अलहदा करना था और कांस्टेंट की टर्म को दूसरी साइड पर लेके जाना था। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट की टर्म है नहीं, इसलिए यहाँ पर हमें इस फर्स्ट स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड में आपको ये करना होता था कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो नंबर होता था ए, आपने उस टर्म होल टर्म को क्या करना होता था, डिवाइड बाय दिस। यहाँ पे 3 है तो आपने इस पूरे इक्वेशन को 3 पे क्या करना है, डिवाइड करना है। जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा +7/3 x = 0। नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्या करना था कि इस 7/3 का, ठीक है, इस 7/3 का आपने क्या लेना था, हाफ, और उसका स्क्वायर लेके इस इक्वेशन के बोथ साइड आपने क्या करना है, ऐड करना है। तो 7/3 का हाफ जो होता है वो 7/6 होता है, और 7/6 का स्क्वायर हमने दोनों साइड पे ऐड करना है। तो यहाँ पे भी हमने ऐड किया और यहाँ पे भी हमने ऐड किया। जब यहाँ पे हमने ऐड किया तो ये इक्वेशन आपके पास एक स्क्वायर की फॉर्म बन जाती है, और ये किसका स्क्वायर है, ये एक्स प्लस 7/6 होल का स्क्वायर है। अगर 7/6 होल का स्क्वायर ओपन करें तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी 7/6 होल का स्क्वायर है। स्टेप नंबर 4 में क्या करना था, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। तो हमने स्क्वायर रूट लिया, जजर लिया, जजर और स्क्वायर आपने ये आपके पास जो पावर होती है ये खत कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास जो बचेगा एक्स प्लस 7/6 इज इक्वल टू +-7/6, ठीक है, +-7/6 आएगा। तो एक बार आपने क्या लेना है, प्लस का 7/6 लेना है, और दूसरी बार आपने क्या लेना है, माइनस का 7/6। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू +-7/6, ठीक है। और ये 7/6 जो है यहाँ पे प्लस का है, बराबर की दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 7/6 हो गया। तो पहले हमने जब प्लस लिया, प्लस का 7/6 है, 7/6 है, और ये माइनस का 7/6 है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, और आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। फिर हमने क्या किया, इसको अब माइनस लिया, जब माइनस का 7/6 और माइनस का 7/6, तो ये माइनस का 14/6 हो जाएगा, और माइनस का 14/6 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस का 7/3 हो जाएगा। सो द सोल्यूशन सेट क्या होगा, ये इसका 0 और माइनस का 7/3, यानी x की दो कीमतें आपके पास ऐसी आ रही हैं। अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करें तो आपकी LHS और RHS क्या आती हैं, सेम आती हैं, ठीक है। अगर 0 भी यहाँ पे पुट करें x की जगह 0, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और अगर माइनस का 7/3 यहाँ पे पुट करें तो ये भी टर्म क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। तो ये पार्ट नंबर 5 आपका यहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका पार्ट नंबर 9 करना है हमने, और इसको भी कम्प्लीटिंग स्क्वायर से करना है। यहाँ पे बात हो रही है कि 4 - 8/3x + 1 = 3x² + 5/3x + 1। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने कांस्टेंट टर्म को एक साइड पे लेके जाना है, और जो वेरिएबल जो है उसको दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो यहाँ पे कांस्टेंट आपके पास 4 है, तो 4 को यहीं पे रहने दें, और ये जो वेरिएबल टर्म्स हैं इसको दूसरी साइड पर लेके जाएँ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 8/3x + 1 है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये देखिए प्लस का हो गया। अब प्लस का हो गया, अब इसका एलसीएम लें, यहाँ पे भी 3x + 1 है और यहाँ पे भी 3x + 1 है बटा में, तो इसका एलसीएम जो होगा वो 3x + 1 ही आएगा। 3x + 1 ऊपर क्या हो जाएगा, 3x² + 5 + 8, तो 5 + 8 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये 3x + 1 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तकसीम हो रहा है। जब ये तकसीम हो रहा है तो बराबर की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा। तो जब 4 के साथ ज़रब खाएगा तो आपके पास ये देखें 4 × 3x + 1 = 3x² + 13। तो 4 को मल्टीप्लाई करें 3x + 1 से तो क्या हो जाएगा, 12x + 4 = 3x² + 13, ठीक है।
अब क्या करना है, हमने वेरिएबल टर्म्स को एक तरफ लेके जाना है और कॉन्स्टेंट टर्म को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पे 3x² है प्लस 13 है 12x, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस का 4 है दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास इक्वेशन जो बनेगी वो 3x² माइनस 12x प्लस 13 माइनस 4, 13 माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस का 9। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, अब आपने क्या करना है, इसको कम्प्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ जाए और आपने इसको कम्प्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना होता है, तो पहला काम आपने क्या करना होता है, पहले स्टेप में आपके पास एक्स के साथ, ठीक है, जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर से पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखें, एक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 जरब खा रहा है, तो इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या करना है, 3 पे तकसीम करना है। जब 3 पे तकसीम करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, डिवाइडिंग बाई 3, तो ये हो जाएगा x² माइनस का 4x प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना होता था कि आपने x वाली टर्म्स को एक साइड पे लिख लेना था और कांस्टेंट टर्म जो होती है उसको दूसरे साइड पे लिखना होता है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, ये हो जाएगा x² माइनस 4x, कांस्टेंट आपके पास 3 है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप में आपने ये करना होता था कि एक्स के साथ जो नंबर ज़रब खाता है, ठीक है, एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है आपने उसका हाफ लेना होता है। क्या होता है, आपने उसका हाफ लेना होता है और उस हाफ का स्क्वायर लेके बराबर की दोनों साइड पे जमा करते हैं, उस हाफ का स्क्वायर लेके बराबर की दोनों साइड पे जमा करते हैं। तो यहाँ पे एक्स के साथ जो ज़रब खा रहा है वो है 4, तो 4 का आधा क्या होगा, हाफ क्या होगा, वो 2 होगा। जब 2 का हम स्क्वायर लेंगे और बराबर की दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 2 का स्क्वायर लिया और दोनों साइड पे ऐड किया, तो आपके पास इक्वेशन क्या आती है, x माइनस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस 4। माइनस का 3 प्लस 4। अब इसको देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ कि x माइनस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या है, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम अब इसका क्या लेंगे, स्टेप नंबर 4 में इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड। स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 होल का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आपके पास क्या बचेगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। अब हमने यहाँ से x की वैल्यूज निकालनी है, पहले हम 1 को प्लस लेंगे फिर उसको माइनस लेंगे, तो x आपके पास कितना आ गया, x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो x इज इक्वल टू, ये माइनस का 2 है, बराबर की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, जमा का हो जाएगा, ये प्लस माइनस 1 और का प्लस का 2 हो जाएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने एक मरतबा उसको पॉजिटिव लेना है, एक मरतबा नेगेटिव लेना है। जब हम x इज इक्वल टू प्लस का 1 लेंगे, ठीक है, 1 जमा 2, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, 1 को माइनस लेना है, तो माइनस का 1 प्लस का 2, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है, एक तो 3 आ गई और एक 1, ठीक है। दोनों वैल्यूज आपके पास क्या होंगी, सॉल्यूशन सेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये उसका सॉल्यूशन सेट है। सो द सॉल्यूशन सेट क्या होगा यहाँ पे, ये होगा आपके पास 3 एंड 1, 1 3 भी इसको लिख सकते हैं, 3 1 भी लिखते हैं। आपके पास ये वैल्यूज जो है, अगर आपने चेक करना है कि आपके पास सॉल्यूशन सेट ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है, तो आप इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, इसी क्वेश्चन में पुट कर दें। अगर बराबर की दोनों साइड पे सेम आंसर आ रहा है तो ठीक है, आपकी जो सॉल्यूशन सेट है वो ठीक होगा, यानी आप एक्स और वाई की जो वैल्यूज आ रही हैं वो आपके पास करेक्ट आएंगी। आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास बराबर की दोनों साइड पे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, ये जो लेक्चर है, कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।